ऐसा मंजर दोस्तों हमारी जिंदगी में पहली बार। अरे हम आशीर्वाद। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं मुरली वाले हौसला इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और चलता हूं दोस्तों, दिखाता हूं, नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। बात है दोस्तों जिंदगी और मौत का, बेजवानों का जो नाता है दिल से, बचपन से इसको निभाते चले आ रहे हैं और एक बार फिर से उसी फर्ज को और उसी अंदाज में आए हैं दोस्तों। जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर एक गाँव है हमजापुर। हमजापुर के सभी लोगों से मेरा सादर अभिनंदन प्रणाम है और प्रणाम करते करते दोस्तों आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ और चलता हूँ दिखाता हूँ। सर जो मुझे फ़ोन किए थे आप आएँ और बताएं। जी जनार्दन मिश्रा, ग्राम हमजापुर हमारा घर है। अमल की बार लगाओ भैया आए प्रसाद में भाग के आए लेकिन भाग के आए बहुत अच्छा लगा और अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचे। चलते हैं दोस्तों, निकाल के दिखाते हैं, यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज। अच्छा कब से गिरा है सर ये? सर चार नहीं चार दिन कोबरा है एक बिल्ली। ऐसा तो नहीं आप लोग वीडियो बनाने के चक्कर में इसको गिरा दिए? अरे नहीं। तो चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से मौत के कुएं में से दो बेजवानों को बाहर निकालते हैं। एक तो है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जो हमारे भारत का बहुत ही खतरनाक सांप है और उसी में दोस्तों एक कैट है जिसे गाँव में जब छोटे बच्चे रहते थे तो बिल्ली मौसी कहते थे, उसको भी बचाते हैं। थोड़ा होती खूंखार है, खुद की सेफ्टी के साथ दोनों को निकालते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ऐसे भी जवानों को बचाने में हमारी मदद कीजिए और पर्यावरण को सजाने में भी थोड़ा सहयोग कीजिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं कुएं में और ये दोस्तों 40 फीट गहरा कुआं है और इसी में लोग ऊपर से देख भी रहे हैं और ये जंगल झाड़ियों से लबरेज है और हमारी टीम दोस्तों पहुंच चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे कैमरामैन मिस्टर सतीश जिद्दी जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी दिल से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों ये मंजर आप देखे हैं क्या कि गहरा कुआं भी हो, ऐसी चीजें भी हो, ऐसा दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। और इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों कहा भी जाता है कभी कभी गहरे कुएं में खजाना भी मिलता है। दोस्तों मेरी नजरों में पता नहीं वो खजाना है कि नहीं है, आप देख सकते हैं ये बगल में एक चीज भी गिरी हुई है, सोने जैसी चमक रही है। ये सोने की बनी हुई एक चीज है, किसकी है मुझे नहीं मालूम, चलिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ। लेकिन दोस्तों बात यह है, एक छोटा सा प्यारा सा अपना पूसी जिसको हम कैट भी बोलते हैं और प्यार से पूसी नाम भी देते हैं, बिल्ली का बच्चा है, बहुत बड़ा नहीं, देख लीजिए इसे, ये है। तो दोस्तों एक कहावत याद आती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, दोस्तों बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो ये दोस्तों दोनों एक साथ में बेचारे बैठे हुए हैं, आज इसमें से गिरे हुए लगभग 48 या 70 घंटे हो गए दोस्तों। इसे तो मान लीजिए रोटियां मिली है लेकिन वो बेचारा स्पेक्टिकल्ड कोबरा भूखा होगा, कुछ खाया नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप ये एक चीज़ें और भी देख सकते हैं, ये अंडे हैं, ये अंडे हो गए। तो ये अंडे देख करके दोस्तों ऐसा लगता है कि एक होती है पिजन जिसे हम कबूतर कहते हैं, उसके अंडे होंगे। और उसी के जस्ट बगल में एक और भी है यहाँ पे दोस्तों, ये है आप देख सकते हैं, ये भी है उसी के अंडे। तो या तो दोस्तों अब दोनों में लड़ाई होती हुई दोनों इसके अंदर आके गिर चुके, या तो फिर ये बिल्ली कोबरा सांप से लड़ने के चक्कर में, या तो कोबरा सांप को महक लगी होगी अंडे को खाने के लिए, इस कबूतर के पिजन के उसको खाने के लिए। तो जो भी स्थितियां रही हो दैट साल वो एक खतरनाक, दोनों के जीवन के लिए खतरनाक साबित हुई। एक बात और है दोस्तों, इतने गहरे कुएं में ये भी बेजुबान एक दूसरे से छिपे पड़े हैं। कभी कभी दोस्तों बहुत सी बड़ी बड़ी जगहों पर देखने को ये रहस्य मिलता है। ये दोस्तों मकड़ियाँ हैं, स्पाइडर है, और इनके ऊपर एक प्रकार का कांटा होता है, जैसे ही हाथ लगता है तो हाथों में धंसता है वो, थोड़ा उसमें भी कुछ न कुछ पॉइजन होता है, ये आप देख सकते हैं। ये अपनी बचाव के लिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा ठंडक कम लगती है। तो दोस्तों अब इन दोनों में हम इसे क्या कहें, दोस्तों इसे हम दोस्ती कहें या दुश्मनी कहें, क्योंकि दोनों तो एक साथ में बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा है सर? जी जी। और चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई और अब हमारा पूरा प्रयास है इसको निकालना, इन बेजुबानों को बचाना। ऐसा मंजर दोस्तों हमारी जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है कि 40 फीट गहरे कुएं में ये चीजें मिले और अंडे भी मिले और दोस्तों खजाने का एक चीज, स्वर्ण जैसी चीजें चमक रही है आपके सामने, ये भी है।
अब ये जिसका भी हो मुझे नहीं मालूम, हम इसको भी निकाल करके लोगों के सामने सुपुर्द करते हैं। चलिए ये हो गई, अब फिर बारी आई, पहले हम बिल्ली को निकालें। बिल्ली को पहले, दोनों तो बहुत खतरनाक हैं, पहले किसको निकाला जाए? पहले बिल्ली को निकालिए, हम लोग बहुत परेशान रहे। चलिए नहीं, अब तो सबको निकाल देंगे ऐसी बात, लेकिन बात यह है सर बिल्ली निकलेगी कैसे? दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ बिल्ली इसके अंदर चली जाए अपने आप से। तो दोस्तों इसे थोड़ा सा आड़ बीड़ करके पकड़ना पड़ता है क्योंकि इसे नहीं मालूम है। दोस्तों ये तो बेचारी बच्चा है, इसे नहीं मालूम है कौन बचाने आया है। तो दोस्तों ये हो गई बिल्ली। चलिए दोस्तों इसे पैक कर दिया, लड़ने न पाए, लड़ने न पाए। अब दोस्तों बारी है स्पेक्टिकल कोबरा की। तो दोस्तों ये बगल में पड़ा हुआ है सोने की चैन है कि क्या है? निकाल दीजिए उसको भी। एक मिनट सर। तो दोस्तों बात ये है, किसी विद्वान ने कहा है, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि किसने कहा है। कहावत ये है दोस्तों कि कनक कनकते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बहुराए और या खाए बहुराए। तो दोस्तों दोनों में से हमारी चीजें किसी काम की नहीं। चलिए इसको निकालते हैं। और एक बात है दोस्तों, ये सांप ऐसा होता है बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये दोस्तों हमारे भारत का एक ऐसा सांप है, इसको दोस्तों इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसकी ज़्यादा लंबाई तो नहीं दोस्तों, ऐसा इसको देख करके लगता है कि ज़्यादा लड़ते लड़ते इसको चोट लगी भी हुई है बिल्ली से। इसके फन को दोस्तों आप देख करके ये समझ सकते हैं ये दोस्तों कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों ग्लव्स लगाने पे एक अंदाज नहीं मिल पाता है। ये अभी दोस्तों लिटिल स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, इसकी पूरी उम्र तो मुझे मालूम नहीं है। बहुत ही प्यारा दोस्तों, बहुत ही मासूम, लेकिन दोस्तों ये हमारी जान का दुश्मन है, फिर भी हम इसे बचाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप कॉपी नहीं कीजिएगा, इसे नहीं मालूम कि मुझे कौन मारने आया है या कौन मुझे बचाने आया है। दोस्तों मुरली वाले हौसला फाउंडेशन एक टीम है जिसके तहत हमारी टीम काम करती है। आप चाहें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम को कंट्रीब्यूट कीजिए, हम लोगों को मजबूत कीजिए ऐसे काम को करने के लिए। दोस्तों आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। ये भी इसके अंदर हम पैक कर लिए हैं। चलिए सर उठा लीजिए आराम से सर, लड़ने न पाए हम। हाँ सब लोग और किसी ईट न गिरे भाई सर, संभाल के। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बहुत मेहनत पड़ती है। फिलहाल दोस्तों जो सुकून मिला इस बेजवान को बचा करके, तो हमारा काम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया आपका काम। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, हम किस तरीके से मेहनत करते हैं? आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, कुछ आप बताइए। आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। अगर जो लोग ये कहते हैं कि आप
फर्जी वीडियो बनाए हैं, ये सब किए हैं। आज देखने से हम लोगों को ये महसूस कर रहे हैं, हमारे गांव के सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि ये सब फर्जी नहीं, ओरिजिनल है, आंखों देखी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और बेजुबान लोगों को बचाने का कार्य, और इस समय शाम को इस ठंड में आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने किया है। आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इतना अच्छा काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जरूरी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, पिताजी को मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। दावत हुआ ना? जा जा यार, काम हुआ खड़ी। क्या नाम बता दादाजी? अच्छा चौहान। ठीक ठीक ठीक, ठंडक बहुत है, ठंडक में कंबल लीजिए। अरे तो हम तो हम आशीर्वाद ठीक है पिताजी, अब जाइए, ठंडक का महीना है। बहुत सुंदर काम हो, ये ट्रस्ट भी चलते ना। बहुत सराहनीय काम है, आज के समय में पैसे वाले हैं वो कुछ नहीं करते, और दो दो जीव का जान बचाए हैं, और आप लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। इनसे कोई जान पहचान किसी की नहीं है, फिर भी इंसानियत बस। अब कितने प्रेम व्यवहार से सबसे मिले, पकड़ लिए थोड़ा बड़ा ज्यादा। आशीर्वाद दे जा बच्चे को, और आप सब लोगों से भी निवेदन हो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने कंबल बांटा है, ये भैया ने बताया, क्या नाम आपने बताया था? जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा। तो दोस्तों, इन्होंने बताया था कि हमारे गांव में भी 2-4-10 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी हैं। हाँ, और दोस्तों, ये खास करके इनके स्वामी नहीं रहे, इनके गार्जियन नहीं रहे, तो देना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, इसलिए इनको, और ज़रूरी भी था, ये उसके पात्र भी थे। तो दोस्तों, एक मुरली वाले हौसला फाउंडेशन है जिसके तहत हम लोग एक दूसरे की गरीब परिवार की हेल्प भी करते हैं, और बेजुबान को भी बचाते हैं, अंधविश्वास को भारत से दूर करते हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से मैं आगे भी करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारी टीम को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं मजबूती के साथ में, इसी तरीके से हम लोगों की हेल्प करते रहेंगे आप लोगों के सहयोग से। थैंक यू दोस्तों, बाय।